दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं हमारे देश से जुड़ा हुआ है। और ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ तथ्य जो मैं सामने आज रखने वाला हूँ, उसको सुनने के बाद आप भी बोलेंगे कि हाँ भाई, ये चीज़ जो की है बिल्कुल सही है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को समय की बर्बादी को ना करते हुए। लेकिन उससे पहले आप दो छोटे छोटे काम कर दीजिए। एक है चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस। इससे क्या होगा, हम छोटे हैं तो हमको मदद मिलेगा थोड़ा सा ग्रो करने में, और आप सभी का प्यार भी पता चलेगा। प्यार सपोर्ट तो आप कर ही रहे हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए वीडियो की ओर सीधा आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेक इशू को, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए हमारी टेक रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, ज्यादातर जो टेक चैनल्स है वो स्मार्टफोन को ही जो कि है टेक्नोलॉजी बना के चला रही है अपनी दुकान। तो ऐसे में बाकी में छोड़िए वो क्या करते हैं नहीं करते हैं। और आज की जो वीडियो है उसमें हम सब बात करने वाले हैं एक स्मार्टफोन जो कि है इंडिया का फ्यूचर कैसे चेंज करने वाला है। तो यहाँ पे कुछ प्रोज पॉइंट भी है और यहाँ पे कुछ कॉन्स भी है। तो ऐसे में प्रो एंड कॉन्स क्या है, ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक जो लोग देखेंगे उनको एक मोटी मोटी आइडिया आ जाने वाला है कि 10-20 साल इंडिया में जितने भी फोन्स आएंगे या फिर बनने वाले हैं वो किस तरीके से कुछ बनेंगे, और यहाँ पे इंडियन कंपनी जो होगी उनकी हालत क्या कुछ हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, दुनिया में अब जो रेस मतलब स्टार्ट हो चुकी है वो है कम प्राइस में ज़्यादा स्पेक्स देना, कम प्राइस में अच्छा प्रोसेसर देना, कम प्राइस में अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ एक गुड बिल्ड क्वालिटी देना। तो ऐसे में सभी यही चाहते हैं कि प्राइस वाइज कम से कम हो, और ऐसे में प्रॉफिट भी वो एक ठीक ठाक रखे, और आप तक जो चीज़ पहुँचे वो भी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आपको याद है तो ब्लैकबेरी अपना जो भी फ़ोन निकलता है वो धराम से गिर जाता है, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट वो पब्लिक समझती नहीं है उसको। और आज के टाइम में जो कि इन सभी का क्रेज भी कम हो चुका है। तो सैमसंग ने जब नोएडा में अपनी फैक्ट्री बनाया, उसके बाद सबने ये सोचा था कि सैमसंग वहां पे फ्लैगशिप जो फोन्स को बनाएगा वो थोड़े बहुत कम प्राइजेस में इंडिया को मिल सकता है, लेकिन उसमें ग्लोबल प्राइस से बहुत ज्यादा कम कुछ नहीं होगा। तो हर एक कंपनी ने यही सोचा था, लेकिन यहाँ पे सैमसंग ने खेला एक छोटा सा खेल। उन्होंने प्राइस को तो थोड़ा सा ही गिराया जैसा कि सभी ने सोचा था, लेकिन उस यूनिट से कुछ बजट फ्रेंडली फोन्स को बनाना स्टार्ट कर दिया, जो कि 20,000 के अंदर आने वाले जितने भी चाइनीज ब्रांड्स हैं जो मतलब मार्केट में तहलका मचा के रखे हैं उन सबको दबाने वाला था। ऐसे में उन्होंने अपने दो फोन को लॉन्च भी कर दिया जो कि खास कुछ नहीं था। फिर वो अपने ए सीरीज का एक फोन लाने वाले हैं, और साथ ही साथ वो जो कि है 30 जो कि है वो भी ऑलरेडी ला चुके हैं। तो इससे क्या होता है, इससे देखिए अब यहाँ पे कंपटीशन बन गया है। एक रेपुटेटेड ब्रांड जो मतलब अपने प्राइस पॉइंट से हटके कभी कुछ देता ही नहीं है, तो वो अगर एक कम प्राइस में अच्छी चीज़ दे रही है, सैमसंग जिसने कभी नॉच को लाने के बारे में सोचा भी नहीं था, साउमी को देखते हैं वो भी नॉच को लेके आ गया। तो यहाँ पे जो छोटी ब्रांड्स है जो अपनी पकड़ अभी अभी बना रही है, जैसे कि ओप्पो, वीवो, एमआई और जो कि रियलमी है वीवो का वो भी, तो ऐसे में बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड्स हैं जो अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं इस मार्केट में अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे लगभग जितने भी ब्रांड मैंने बोला उन सभी का शेयर जो कि 5-50% है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन सैमसंग का तकरीबन 25-30% शेयर इंडिया के अंदर है। तो सैमसंग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और साउमी का जो कि है उसका अभी मार्केट कैपिटल बढ़ रहा है। तो ऐसे में देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और एक सबसे अच्छी चीज़ जो कि है इंडिया में वो है अफोर्ड करने की कैपेबिलिटी। इंडिया की जो मिडिल क्लास है तकरीबन वो 60% आबादी है, और वो जो आबादी है वो तकरीबन 40,000 तक मतलब 40,000 रुपीज़ तक कोई भी फ़ोन को अफोर्ड कर सकते हैं, इतनी उनकी कैपेबिलिटी है। तो यहाँ पे स्कोप जो कि है बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, कम से कम प्राइस में फ़ोन्स को देने के लिए अपनी अपनी फैक्ट्री अब डालने वाले हैं, जिनका असेंबल यूनिट है वो उसको बड़ा करने वाला है। अब यहाँ पे इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा कि क्यों एक असेंबल यूनिट से एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने में फ़ायदा कंपनी का है। तो यहाँ पे फ़ायदा कंपनी का है, हमारे वतन का भी है। कैसे, देखिए पहले जो प्रोडक्ट बन रहा था चाइना में उसको मतलब एक्सपोर्ट किया जाता था, वहाँ से इम्पोर्ट किया जाता था, और इम्पोर्ट होने के बाद वो जितने भी पार्ट्स है वो तो वहाँ से बन के आई है, यहाँ पे आके बस उनको असेंबल कर किया जाता था। जो यहाँ के असेंबल यूनिट में होता था वहाँ पे एक लेबर कॉस्ट भी लगता था, तो चाइना का एक लेबर कॉस्ट है, वहाँ पे जो चीज़ बना है उसका लेबर कॉस्ट है, वहाँ की गवर्नमेंट की टैक्सेस है, उसके बाद उसकी शिपिंग चार्जेस हैं, यहाँ पे आते आते उसकी जो की है और भी बहुत सारी मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए उस पर ड्यूटीज़ लगती है, उसके बाद यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने के बाद असेंबल यूनिट तक आना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है उनकी भी मतलब मैन्युफैक्चरर तो नहीं असेंबल यूनिट लगा के रखा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनकी भी खर्चा पानी है। तो ऐसे में प्राइस की अगर बात की जाए तो इतने प्राइस में जो चीज़ मिल सकता था वो अब इतना हो जाएगा। तो वो देखेंगे भाई, रॉ मटेरियल अगर हम वहाँ से यहाँ डायरेक्टली लाते हैं तो एक बड़ा मार्केट यहाँ पे भी है, एक बड़ा मार्केट चाइना में भी है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट की,
तो चाइना इंडिया जो की है, चाइना इंडिया और रशिया दुनिया का 3 सबसे बड़ा मार्केट है स्मार्टफोन्स का। तो यहाँ पे क्या करेगा वो, यहाँ पे अगर चीजों को बनाएगा तो रशिया इंडिया से ज्यादा दूर तो मतलब मैं समझता नहीं हूँ, और चाइना भी मतलब यहाँ से मतलब पास ही है, चाइना भी अपने वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो दोनों जगह पे अगर किसी पर्टिकुलर एक कंट्री का जितनी भी कंपनीज है वो मैन्युफैक्चर करता है तो यहाँ से पूरे एशिया को वो सप्लाई कर सकता है। और इंडिया में जो कि है इन सब चीज़ों से मतलब फर्क भी पड़ेगा क्योंकि हमारी लेबर कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। तो अब देखिए एक के बाद एक कंपनी जो कि है इंडिया में अपनी जो कि है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की कोशिश करने वाला है और स्मार्टफोन की प्राइसेस जो कि है और भी गिरने वाला है। मतलब आपने शायद कल सुबह आप नींद से उठो और आपको पता चले एक ऐसा फोन लॉन्च हो गया 10,000 के अंदर जिसकी प्राइस कल ही 25,000 थी। तो अगर ऐसा होता है तो मतलब हैरान मत होइए, वो हैरान होने वाली कोई चीज़ होगी ही नहीं। और यहाँ पे बात किया जाए, ये तो रही सारी की सारी प्रो टिप्स। अब यहाँ पे अगर आप बात करते हो कि इसमें कौन क्या भाई, तो देखिए हमारा पड़ोसी दुश्मन जिसको आप समझ सकते हैं, समझ क्या सकते हैं मतलब जन्म जन्म से है, वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की रुपए की कीमत जो कि है इंडियन रुपए से बहुत गिर चुका है। मतलब इंडिया का 1 रुपया पाकिस्तान में तकरीबन 1.75 रुपये के आसपास होगा इंडियन करेंसी में। वहाँ की लेबर कॉस्ट जो कि है और भी कम है। तो जो बंदा मतलब इंडिया तक आ सकता है वो पाकिस्तान भी जा सकता है। और अगर बात करें चाइनीज ब्रांड्स की तो यहाँ पे काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि चाइना के जितने भी छोटे ब्रांड्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी बड़ी टैक्सेस ये सब चीज़ें, तो वो क्या करेंगे, वो पाकिस्तान की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे इंडिया की जितनी भी डिप्लोमेट्स हैं वो मतलब जो भी प्रोफेशनल है इस फील्ड में, जिनको भी ये दायित्व वगैरह मिला है, वो अगर इस फील्ड में सही से खेल नहीं पाए तो इस फील्ड का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ा सा भी हमारा गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान दे तो आने वाले 20 साल में तहलका मच जाएगा। जो चाइना की ग्रोथ रेट है उसको तो हम मैच नहीं कर सकते, लेकिन इसे स्मार्टफोन के जरिए हम उनके करीब जरूर पहुंच सकते हैं। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपसे बताना चाहता था, आप सबसे डिस्कस करना चाहता था। आज संडे का दिन था तो ये वीडियो आप लोगों ने अभी तक अगर देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो रिसर्च करने के बाद ही दी है, ऐसा नहीं है कि अपने मन से आया बस फेंक दिया आप लोगों की। तो चलिए अलविदा कहते हैं इस वीडियो में, मिलता हूँ एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ अपने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए क्योंकि आने वाले